सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समिट के लिए अब घरेलू निवेशकों पर फोकस होगा। देश के 7 प्रमुख शहरों में विदेश के 5 मंत्री रोड शो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी को मुंबई जाएंगे। मुंबई में बड़े उद्योग समूहों से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। 9 जनवरी को चेन्नई में सुरेश खन्ना असीम अरुण रोड शो करेंगे। दिल्ली में 13 जनवरी को नंद गोपाल नंदी रोड शो करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय के शर्मा संदीप सिंह मौजूद रहेंगे। 16 जनवरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रोड शो करेंगे। योगी सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में होना है लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समिट के लिए अब घरेलू निवेशकों पर फोकस होगा। देश के 7 प्रमुख शहरों में प्रदेश के 15 मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी को मुंबई जाएंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, योगी सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में होगा, इसको लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? विवांशु, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। के लिए अब घरेलू निवेशकों पर फोकस होगा। देश के 7 प्रमुख शहरों में प्रदेश के 5 मंत्री रोड शो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी को मुंबई जाएंगे। मुंबई में बड़े उद्योग समूह से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। बता दें 9 जनवरी को चेन्नई में सुरेश खन्ना असीम अरुण रोड शो करेंगे। दिल्ली में 13 जनवरी को नंद गोपाल नंदी रोड शो करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय ए के शर्मा संदीप सिंह मौजूद रहेंगे। 26 जनवरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी रोड शो होगा। बता दें योगी सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में होगा। समिट के लिए अब घरेलू निवेशकों पर फोकस है। देश के 7 प्रमुख शहरों में प्रदेश के 5 मंत्री रोड शो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी को जाएंगे मुंबई। मुंबई में बड़े उद्योग समूह से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता विवांशु का। विवांशु, योगी सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टर 2023 होगा, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन किया जा रहा है साल के दूसरे महीने में, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए तो पूर्व में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विदेश दौरा करके और इन्वेस्टरों को उत्तर प्रदेश के अंदर में निवेश की इच्छा जाहिर करते उन्होंने आमंत्रण दिया। साथ ही साथ इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है उसको धार लाने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आपने पूर्व में भी देखा कि इन्वेस्टमेंट समिट हुए, साथ ही साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, और इस जब योगी सरकार 2.0 आई है तो ग्लोबल यानी कि विदेशों से भी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी में पूरी तरह से लगी हुई है। लगभग देखे तो जो कार्यक्रम है फरवरी में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाती, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जुर्मा लिया है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वो उत्तर प्रदेश से बनाएंगे।
जहां विदेशों के दौरे के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, बात की जाए तो 5 जनवरी से और 23 जनवरी तक पूरे देश के अलग अलग प्रमुख शहरों में जाएंगे, वहां रोड शो करेंगे और रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रण देंगे। जो देश के अंदर में जो निवेशक है उन्हें भी आमंत्रण देंगे। अगर बात की जाए तो प्रदेश के 5 मंत्री देश के 7 प्रमुख शहरों में जाकर और इन्वेस्टरों से बात करेंगे। अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई जाएंगे 5 जनवरी को, वहां अगर देखें तो बड़े समूहों के साथ मुलाकात करेंगे और कहा जाता है कि जो मुंबई है वो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग तरह की योगदान देती है। साथ ही साथ देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा GDP अगर राज्यों की बात करें तो मुंबई है, सबसे अमीर राज्यों में से है। तो मुख्यमंत्री स्वयं वहां जाएंगे और वहां जाकर और कई उद्योग के समूहों से विचार विमर्श करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 9 जनवरी को सुरेश खन्ना और असीम अरुण की चेन्नई में एक रोड शो होगी, जहां वो उद्योगपतियों से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में निवेशकों के जो बाजार लग रहे हैं उसमें आमंत्रण देंगे। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली में 13 जनवरी को उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी रोड शो करेंगे, वहां भी वो उद्योग जगत के तमाम जुड़े लोगों से मिलेंगे और उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आमंत्रण देंगे। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 16 जनवरी को कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में अगर बात करें तो तमाम ऐसे उद्योग हैं जिसे उत्तर प्रदेश में लाकर स्थापित करके और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बताएं कि 18 जनवरी को सूबे के दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश पाठक हैदराबाद जाएंगे। वो तमाम ऐसे चिकनकारी, जरी के कारीगर एवं तमाम ऐसे उद्योग के उद्योगपतियों से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने का न्योता देंगे। वहीं अगर बात की जाए तो 20 जनवरी को अहमदाबाद जो प्रदेश के PWD मंत्री हैं जितिन प्रसाद, वो जाएंगे और साथ ही साथ उनके साथ सूबे के कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही, जैनेन्द्र प्रताप और जसवंत सैनी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि 23 जनवरी को यानी कि आखिरी जो शहर होगा वो 23 जनवरी को कवर किया जाएगा, वो बैंगलोर होगा और नंद गोपाल नंदी और असीम अरुण के द्वारा इसे जो रोड शो होगा इसमें शिरकत करेंगे और तमाम वहां के उद्योग जगत के लोगों से मिलकर और उत्तर प्रदेश को जो निवेश का बाजार लग रहा है उसमें आमंत्रण देंगे। जी विवांशु, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार मंत्री दौरा कर रहे हैं, सीएम भी दौरा कर रहे हैं, तो ये यूपी के लिए कितना उपयोगी साबित होने वाला है? जी, आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया था, यूपी में यूपी है यूपी के लिए योगी उपयोगी है, तो कहीं ना कहीं उस नारे पर कायम होते उत्तर प्रदेश सरकार नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो इससे प्रदेश के अंदर में जो निवेशक आएंगे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के अंदर में सबसे ज्यादा आबादी और सबसे बड़ा अगर देखें तो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और साथ ही अगर देखें तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में विदेश के साथ साथ अन्य बड़े शहरों से जो निवेशक हैं वो आकर अपने यहाँ प्लांट, अपने उद्योग को यहाँ फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगी, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की आमदनी है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो पहल है इससे प्रदेश की जो चौमुखी विकास के दावे किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार आते हुए दिखेगा मयूरी। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देख रही है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जो देश भर के साथ साथ अब विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। अब ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने के बाद देखने वाली बात ये होगी कि जहां सैकड़ों उद्योगपति देश विदेश से साथ ही साथ अन्य शहरों से आएंगे वो कितना अपनी यहाँ कितने बजट उनका होता है और क्या क्या यहाँ फैक्ट्रियां उद्योग के जो कार्य है उनके उनको कितना यहाँ स्थापित करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें युवाओं को रोजगार और साथ ही साथ प्रदेश की इकोनॉमी में भारी उछाल देखने को मिल सकता है GIM से। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी सपा, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेगी।
गांव-गांव जाएगी सपा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर। यात्रा के जरिए आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की साजिश बताएगी सपा। सपा इस मुद्दे को विधानसभा क्षेत्रवार करेगी यात्रा। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी सपा। सपा संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेगी। गांव-गांव जाएगी सपा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर। यात्रा के जरिए आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की साजिश बताएगी सपा। सपा इस मुद्दे को विधानसभा क्षेत्रवार करेगी यात्रा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, योगी सरकार ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट का फैसला। अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है, नई रणनीति के साथ जमीन में उतर रही है। जी मयूरी, अगर बात की जाए तो कल सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन था उसको पूरी तरह से रद्द करने के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश का जो सियासी घमासान है वो तेज हो गया है। आपको बताएं कि बगैर ओबीसी आरक्षण के जो कोर्ट का फैसला था, बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का बात कहा गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर अपर कोर्ट में पहुंच गई है। वही समाजवादी पार्टी जो देखे तो मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद लगातार सक्रिय नजर आ रही है और उसके प्रदेश अध्यक्ष महीने में जो 10 जिलों में भ्रमण का कार्यक्रम रखे हैं कि वो हर महीने 10 जिलों का भ्रमण करेंगे, उसी क्रम में एक नए कार्यक्रम की उनकी तरफ से तैयारी की जा रही है। और जब फैसला आता है तो समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा संविधान विरोधी है और संविधान का वो रक्षा करते हैं और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसको देखते हुए संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने जा रही है समाजवादी पार्टी, ऐसा उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कहना है। वही आपको बता दें कि निकाय चुनाव में पिछले वर्ग के आरक्षण के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाने की तैयारी में है और इस यात्रा से साफ तौर से वो इस बात को बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत सही तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं की, जिसके चलते ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया। वही आपको बताएं कि कहीं ना कहीं इस यात्रा से जो ओबीसी समाज के लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं उनको गोलबंद करने की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। वही आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है। वही आपको बता दें कि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कहा कि जनता के बीच वो सबूत प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम वर्गों को वो जोड़ने और साधने का काम करेंगे। जी विवांशु, योगी सरकार ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करने की बात कह रही है, तो क्या अब ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी से कल के आए फैसले को जो योगी सरकार है वो अब अपर कोर्ट में इसको चुनौती दे रही है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि कल फैसले में जो है ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने की बात कही गई है, अगर चुनाव आपके अगर इसी पे होते हैं तो जनवरी में माना जा रहा हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं चुनौती से ये साफ हो गया है कि अब फिर से एक बार ओबीसी आरक्षण को फिर से किया जाएगा, ट्रिपल लेयर टेस्ट किए जाएंगे, साथ ही साथ उन सभी बिंदुओं पे बात की जाएगी जो 2017 के निकाय चुनाव में हुए थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि अब अपर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर क्या अपना रुख रखता है और जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसमें किस तरह की बातों को सुप्रीम कोर्ट अपने दलीलों में रखता है। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।